बताना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन, साथ ही अभी हाल ही में हमने कैट में देखा है जो म्यूजिक बहुत ही ज्यादा सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया है। प्लीज बताइए कैसी रही जर्नी, क्या आसान होती है या मुश्किल होती है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार बने। सारण प्यार भरी सत श्रीकाल जी, सारण सलाम नमस्ते। मेरा नाम सुरजीत सिंह, तुसीं देख ही लिया मेरे गाने सुने हैं कैट च, मैं बहुत एक्साइटेड एक्चुअली, इस करके सारा कुछ पहले ही सब बता रहा हूँ ऐसे। और जो तुहाडा क्वेश्चन है कि जर्नी, एक्चुअली देखा जाए कोई भी आप मुकाम की तरफ जब बढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पैंदी है। वो जर्नी ऑफकोर्स मुश्किल होंदी है, तो मेरी भी इदा ही रही है। मैं भी काफ़ी पड़ा तो गुजर के इतों तक पहुँचा, तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक रामपुरा सिटी है, मंडी है, उस तो पहला मैं पिंड ही है बिलोंग करता, तो उतों मेरा म्यूजिक जर्नी शुरू हुई है। बेसिकली मैं, मेरे घर में कोई संगीत से कोई ताल्लुक नहीं रखता, तो बस ऐसी परमात्मा की मेहर हुई है, मैंने थोड़ा गाने का शौक पिया, तो फिर हौली हौली यारां दोस्तों ने मैंने थोड़ा गाइड किया कि भाई तेरी आवाज़ वधिया, तू थोड़ा जा होर ट्राई कर अगे कर। फिर इदे इदे करके मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज दे विच मैं म्यूजिक लिया, मैंने शौक पै गया। फिर मेरे उस्ताद जी जसबीर सिंह जी आनंदपुर साहब तो हैं, तो उन्होंने मैंने फिर गाइड किया, उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया। फिर धीरे धीरे यही शौक आ गया, मुंबई लेके आ गया मुझे। मैं कहा चलो मुंबई की दुनिया देखनी है, वो ट्राई करना, कि बड़े लोगों ने कहा कि यार तू ट्राई कर, तू कुछ करेगा, बड़ी उम्मीदें थी सब की मेरे से, तो वो उन्हीं की उम्मीदें, वो इन्हीं की दुआएं मुझे यहाँ तक ले आई, मुंबई तक ले आई। और रिसेंटली कैट में मेरे 5 गाने हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हाँ, और सारे का शुक्रिया अदा करना कि सबकी सपोर्ट और दुआओं की वजह से मैं यहाँ जा पाया हूँ। साथ ही लिरिक्स की बात की जाए तो आजकल के लिरिक्स बहुत ही एकदम वैसे होते हैं कि बोलने से पहले हर कहीं सोचना पड़ता है कि हम यहाँ ये गाए या ना गाए। आपके लिए क्या होता है लिरिक्स, कितना इम्पोर्टेंट होता है? जी लिरिक्स एक्चुअली बेस तो देखा जाए लिरिक्स होते हैं, अगर गाने का पहले लिरिक्स बनते हैं, फिर उसके बाद उसमें धुन डाली जाती है, फिर उसको गाया जाता है, तो बेसिकली तो लिरिक्स होते हैं। पर लिरिक्स गाने जब ये हम एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में मैं साथ में था, पूरी जर्नी में हम साथ में थे, हमारी टीम ही इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, लिरिक्स से लेके सिंगर और जिन्होंने म्यूजिक किया है, मैं सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वीरेक्स म्यूजिक पाजी है, वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं काफ़ी टाइम के साथ से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सारा प्रोजेक्ट में उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट की है। तो लिरिक्स जी जैसे आपने बात की है, तो हमने जब प्रोजेक्ट में ये बना रहे थे, तभी जैसे जैसे सिचुएशन में वो गाने बन रहे थे, तभी वो मेरे को बस इस एक्चुअली सीरीज में 9 गाने हैं, मेरा मन कर रहा था मैं सारे गाऊं, बट वो सिचुएशन ऐसी थी, कैरेक्टर उसमें ऐसा है, रॉकी रांझा का कैरेक्टर है, तो उसकी जो आवाज़ वो मेरी आवाज़ सूट हुई, तो उन्होंने फिर वो सिलेक्ट की, बट अदरवाइज सारे गाने बहुत प्यारे हैं, मेरा मन करता तो मैं सारे गाने गाता हूँ। गाना गाने के बाद कितने कुछ कमेंट्स आपको मिले हैं, स्पेशली जो उसके जो मेन लीड है एक्टर जी एक्ट्रेस, उनकी तरफ से क्या कुछ आपको कमेंट्स मिले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब इसका कैट सीरीज का प्रीमियर था तब गए थे, तो क्योंकि म्यूजिकल टीम अलग होती है और ये प्रोडक्शन की टीम अलग होती है ना, तो वो जो तो प्रीमियर थे सारे इकट्ठे मिले, तो फिर जैसे जैसे सबको पता चलता था कि, क्योंकि मेन गाने वो सीरीज में मेरे ही बज रहे हैं मतलब, है ना, तो वो बोल रहे कि यार ये गाना किसने गाया, फिर वो इशारा कर रहे हैं कि यार वो पाजी ने गाया गाना, तो फिर वहाँ से जान पहचान शुरू हुई सारे टीम वालों के साथ। रॉकी रांझा वीरा भी मिला, फिर उनका रॉकी रांझा जिन्होंने का कैरेक्टर, उनका मेरे को काफ़ी कैरेक्टर्स के मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस भी आए, और रणदीप हुड्डा पाजी से भी वहाँ पे मिलने का मौका मिला, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, सारी टीम को बहुत वधिया लगे मेरे गाने, सारे अच्छे कमेंट्स, हम शुक्रिया सारा का। हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, अगर आप अगर थोड़ा कुछ गुनगुनाएं तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ इस गाने के पीछे है कौन। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिथे भी मैं जा रहा आज दे मतलब आज के टाइम में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कैट सीरीज का जिक्र होता है और किसी को पता चलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही होता है कि पाजी वो टुटदे स्टार तुसी गाया गाना, बिकॉज टुटदे स्टार बहुत प्यारा गाना, मैं तुहानू दो लाइनां सुनाउणा।
हो टुट दे स्टार देख के सोनिया, टुट दे स्टार देख के माहिया, कुड़ी तेरे नाल जीने दी मरने दी दिलों विश कर दी, हो लास्ट या विश मेरी सोने आ, लास्ट या विश मेरी माही वे, रब कोलो मंगा चन तेरे पैरां विच मैं तर दी, हो टुट दे स्टार देख के सोने आ, टुट दे स्टार देख के माहिया, हो टुट दे स्टार देख के सोने आ। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक वीडियो से शुरुआत होती है, आपकी शुरुआत वेब सीरीज से, वो भी इतना सक्सेसफुल गाने, वो भी पांच एक साथ। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली बात है कि ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज के टाइम में, जिधर ही मेरा इट्स लाइक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब से साल डेढ़ साल से ये इसकी जर्नी में साथ में हूँ, जब से गाने बन रहे हैं, मीटिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं भगवान से ये दुआ कर रहा था कि मेरी मैनु कुछ मिल जाए इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं तो चाहता था सारे गाने मैं गाऊँ, बट चलो पांच गाने मेरे, मुझे भगवान ने ये गाने का मौका दिया, मिला मुझे। तो जर्नी जैसे मैं पंजाब से जब मैं मुंबई आया था, तब से म्यूज़िक में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ गाने कर लिए, थोड़ा बहुत इधर कुछ काम मिल गया कर रहा हूँ। तो ये इससे पहले, ये कैट सीरीज से पहले एक और सरफरोश 21 एक सीरीज़ आई थी, नेटफ्लिक्स पे ही आई है वो, पहले डिस्कवरी जीत चैनल पे वो आई थी, उसमें मेरे को एक गाने का मौका मिला था। उसमें जितनी भी आवाज़ है वो सारी मैं निभाई है, उसमें सारी वोकल जहाँ भी आप आवाज़ सुनोगे, चाहे बैकग्राउंड में चाहे कैरेक्टर की, वो सारी मैनु मौका मिला। उसके बाद जो कैट सीरीज का वो मौका मिला जी, वो मेरा सब तो ड्रीम प्रोजेक्ट सी गा मेरा, ते बहुत वधिया लग रहा है आप, और ये इतनी लाइटिंग और सारे आप लोग सामने हो, मैं थोड़ा नर्वस भी है। जी ये सब तो एक गाना बड़ा अच्छा पंजाबियों ते गाना बनाया, बहुत प्यारा गाना है इस सीरीज का, आप सुनोगे आपको फुल एनर्जी आ जाएगी सुनाना थोनू। हो चक दे आ फटे फुटे गज दे पंजाबिया, हो कदे भी ना दब दे पंजाबिया, हो चक दे आ फटे फुटे गज दे पंजाबिया, कदे भी ना दब दे पंजाबिया, गुट्टां विच जोर पूरा हाथियां दी जाणिया, जिथे हेक लावां भर जांदे फे मदाणिया, ओ डौलियां च जोर मेण ताणे मार दे बंदे आ पंजाबी कदे भी ना हार दे, ਟੌਰ ਵੱਜਦੀ ਨਵਾਬੀਆ ਚੱਕਦਿਆਂ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਗੱਜਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਸੁਰਜੀਤ, ਕਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਸ ਐਕਟਰ ਕੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪ ਫੈਨ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਜਿਸਕੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ? ਜੀ ਮੈਂ वैसे तो बॉलीवुड में काफ़ी स्टार्स हैं जिनको मैं बचपन से पसंद करता हूँ। ऐसे थोड़े से बता रहा हूँ कि मेरे फेवरेट एक्टर वैसे शुरू से रहे ऋतिक रोशन जी, तो चलो कदे मौका मिलेगा तो जरूर उन्होंने आवाज़ दूंगा, बट पता नहीं किद्दा कैसे लगेगी या पंजाबी स्टाइल मेरा उनकी आवाज़ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो जी वो मेरे फेवरेट हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैसेज जी मेरे तरफ से सबको ये है, मतलब मैं थोड़ा जा मैनू काम करने का मौका मिले, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बट जो अपनी जर्नी लेके आए हैं मुंबई या आने की सोच रहे हैं, सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी हिम्मत मत छोड़ो, और क्योंकि मुझे भी मैनू खुद नू 7-8 साल हो गए तब से मैं म्यूजिक में हूँ, करते 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 अज हुण मौका मिले मैनू आके, ते मैं सारा नूं कहना कि हिम्मत ना छड्डो, अपने आप ते भरोसा रखो, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, तो आपको वो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस वहाँ तक आपको कोई ना कोई ढूंढते आ ही जाएगा आपके पास कि हाँ जी ये बंदा इस चीज़ के लिए ये सही है। तो स्ट्रेंथ ना अपनी भूलो, आप उसको पहचानो और मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस जरूरी है। जेड़ा अगर मैं सिंगिंग की बात करता हूँ तो रियाज करते रहो, अपने गले नूं संभाल रखो, उसको संभाल के रखो,
क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी और यही सब कुछ है। अगर प्यार आपको मिल रहा है तो इसी वजह से मिल रहा है। तो जी मेहनत करते रहो, हिम्मत ना हारो। साल खत्म होने वाला है, एक नया साल की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ और भी नए सरप्राइजेस आप देने वाले हो सभी को? जी एक्चुअली मैं कहूँगा कि साल खत्म होने वाला नहीं है मेरे लिए, मुझे लगता है साल शुरू होगा अभी से। ये जो मैं आई थिंक दिसंबर से मैं मानूंगा कि मेरा साल शुरू हुआ है नवा, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट मिले है। तो आने और थोड़े दिन पहले भी एक गाना रिकॉर्ड किया, बॉलीवुड में भी कुछ गाने आ रहे हैं। और वीर एक्स पाजी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक, वो मेरे बड़े भरा भी है और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आगे भी उनके साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, तो उनके साथ मेरे ज़्यादा आएंगे मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उनको पता कि इसकी आवाज़ को कैसे ट्रीट करना या कैसे आगे लेके आना, है ना। वो बड़ी अच्छी एक ट्यूनिंग होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, वो उनको पता चलता है कि यदि आवाज़ के हिसाब से म्यूजिक किदा का देना, वो एकदम अगे ले आते हैं। तो बड़ा कंफर्टेबल साढ़े बनया, भरावान का प्यार है। तो जी बाकी जैसे जैसे काम आता रहेगा आपको पता चलता रहेगा। थोड़ा नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू जी सारे, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर पहली एडवांस में। तो आप जहाँ भी जाओ, अपने जहाँ जाओ, जो जो फील्ड में हो, आप तरक्की करो, खूब तरक्की करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।